हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा सिंदूरदानी का ये पार्ट टू वीडियो है। यहाँ पर हमने डबल क्रोकेट तक बनाया था, उसके बाद फिर ये डबल क्रोकेट बिना कोई चैन छोड़े हुए बनाएंगे, और ये नीचे का झालर इस तरह से। तो ये हमारा पूरा बन गया है, इसे आपको सिंदूरदानी पर रख के दिखाते हैं। इसे आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से बना है इस तरह से। ये देखिए, ये जो झालर बना है ये हम आपको अभी बता रहे हैं, इस पे बना के ये इस तरह का झालर। ये देखिए, इस तरह से पहले आपको ये धागे को थोड़ा बड़ा खींचना है, और उसके बाद से फिंगर को यहाँ पे रखते हुए, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, फिंगर को यहाँ पे रखते हुए यहाँ से इस धागे को ऐसे खींचेंगे, और फिर जो ये गैप है इसके अंदर से क्रोशिए को डाल के फिर से एक बार धागा खींचेंगे। ये देखिए, ये हमारा दो बार आएगा यहाँ पे, और अब फिर यहाँ से एक बार और धागे को खींच के इसे सिंगल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम तीन चैन बनाएंगे, पहले एक दो और ये तीन चैन, ये तीन चैन बनाएंगे। फिर यहाँ से क्रोशिए के ऊपर धागे को चढ़ाएंगे, और ये जो यहाँ पे ये दो बार जो धागा लगाया था यहाँ से पकड़ के क्रोशिए को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, अभी ये हमारा दो धागा आया यहाँ पे। अभी फिर से एक बार और बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, अभी ये हमारा तीन हो चुका है, फिर से एक बार और बनाएंगे। देखिए, ये एक दो तीन चार, चार हो चुका है। अब इन चारों को एक साथ बांध देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे चैन लेंगे, एक दो और तीन, तीन चैन लेंगे और यहाँ पे ला करके इसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारा ये जो गोल सा पट्टी था वो तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब फिर से ये लंबा धागा खींचेंगे एक बार और यहाँ से अब इसे यहाँ पे ला करके ज्वाइन कर देंगे थोड़ी दूरी पर, इसे ला करके इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, इसे ज्वाइन करेंगे, फिर ये हमारा इस तरह से दिखेगा। फिर से हम एक बार और फिर से एक बार लंबा धागा खींचेंगे। ये देखिए, ये दो बार है हमारा, यहाँ से खींचेंगे, इसके अंदर से धागे को लेंगे और फिर यहाँ से इसे दो बार अलग अलग कर देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से धागे को खींचना है इस तरह से बनाएंगे। फिर से यहाँ पे लेंगे तीन चैन, एक दो और ये तीन, तीन चैन लेंगे, फिर बनाएंगे हम पफ स्टिच, यहाँ पे लेना है हमें। ये देखिए, ये एक एक बार लिया, ये हमारा यहाँ पे दो बार धागा आया। फिर से एक बार और लेंगे, ये हमारा तीन बार धागा आया। फिर से एक बार और लेंगे, ये यहाँ पे चार बार आया। अब यहाँ पे इन सबको एक साथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे लेंगे हम चैन, एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और इसे यहाँ पे नीचे यहाँ से यहाँ पर लाकर इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से ज्वाइन करने के बाद फिर से हमें इसे से थोड़ा लंबा खींचना है इस तरह से। इसे लंबा खींचेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे फिंगर को रखेंगे
और यहाँ से धागे को बाहर निकालेंगे, और ये जो फिंगर रखा है इसके अंदर से क्रोशिया लगा करके फिर से धागे को बाहर निकालेंगे इस तरह से, और फिर इसे एक उचित दूरी पर इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और फिर से हमें इस तरह का फिर झालर बनाते हुए चले जाना है। तो इस तरह से ये हमारा झालर बनेगा, आप इसे देख सकते हैं। इस प्रकार से ये ऊपर ये सिंदूरदानी का कवर तैयार करने के बाद हमें इस तरह से गुलाब का फ्लावर बनाना है इस तरह से। तो ये फ्लावर बनाना सीखते हैं। फ्लावर बनाने के लिए फ्लावर हम गुलाबी रंग के धागे से बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए अगर आपको इतना बड़ा गुलाब का फ्लावर बनाना है तो आप 25 चैन लेंगे, और अगर इससे बड़ा बनाना है तो आप 31 चैन लेंगे। यहाँ पर हम 25 चैन पे बनाएंगे। तो ये हमारा एक चैन हो गया, ये 2 3, आप 25 चैन कंप्लीट कर लेते हैं। ये 25, ये हमारा 25 चैन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम डबल क्रोकेट बनाएंगे, यहाँ पे क्रोशे के ऊपर धागे को लगाएंगे, और यहाँ से हम 6 चैन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे हम इसे इस तरह से निकालेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा हमारा। अब यहाँ पे हम लेंगे फिर से डबल क्रोकेट बनाएंगे। अब की बार हम यहाँ पे 6 नहीं 2 चैन पे छोड़ेंगे, 1 2, 2 चैन का गैप दे करके यहाँ पे डबल क्रोकेट बनाएंगे। ये देखिए आप, अब यहाँ पे पहले लेंगे, ये इस तरह से बनेगा हमारा। अब यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 2 चैन, और फिर ये जो डबल क्रोकेट जिस चैन में निकाला था वहीं पे फिर से एक बार और डबल क्रोकेट बनाएंगे। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये हमारा भी का शेप बन के आएगा। इस तरह से हमें भी बनाना है, और फिर से हम डबल क्रोकेट बनाएंगे। अब की बार फिर से 2 चैन छोड़ना है, 1 ये 2, 2 चैन छोड़ेंगे, यहाँ से डबल क्रोकेट बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा सीधा भी है, ये हमारा उल्टा भी है, तो हमें सीधा भी बनाना है। ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद फिर से डबल क्रोकेट उसी चैन में निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे पास 3 भी कंप्लीट होके आया है, 1 ये 2 ये 3, 3 भी कंप्लीट होके आया है। और यहाँ पे ये हमारा 2 उल्टा भी बना है, तो हमें सीधा भी बनाना है। तो इस तरह से ये पूरा चैन कंप्लीट कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, 1 भी ये 2 भी, ये पूरा चैन कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कितना भी बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 भी बन के आया है। अब यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे इस तरह से, एक चैन बनाएंगे, उसके बाद ये जो भी बना है इसके अंदर हमें 7 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 7 बार बनाएंगे हम इसे। ये देखिए, ये 1, ये दूसरी बारी, ये 2 बार दूसरा, और ये 3, और ये 4,
ये पांच, ये छह और ये सात। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ पे ये जो उल्टा भी है, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, यहाँ पर ऐसे ही इस तरह से बना देंगे। और फिर से हमारा दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें भी सात बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक, ये दो, ये देखिए, ये इसमें भी सात बार डबल क्रोशिया बन गया। ये जो अब उल्टा भी है, इसके अंदर इस तरह से बना देंगे हम। अब फिर से ये हमारा भी आया। अब इसमें भी सात बार डबल क्रोशिया और उल्टा भी में हम क्रोशिया लगा के बना देंगे ऐसे ही। फिर इसमें भी सात बार डबल क्रोशिया, इसमें भी सात बार डबल क्रोशिया, इस तरह से इसे बनाएंगे। और जो उल्टा भी है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बस। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये सब कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट एक बच गया है, यहाँ पे अब हम इस तरह से बना देंगे। और इसमें है ना, धागा थोड़ा लंबाई कट करेंगे, इतना लंबा धागा कट करेंगे हम इसे इस तरह से। इस तरह से करके आपको बहुत सारे फ्लावर बना लेनी है। आपको ये जितना भी गोल बनाने, यहाँ पे फूल अटैच करने में आ रहा होगा, आप ये देख सकते हैं अपने हिसाब से कि आपका सिंदूरदानी कितना बड़ा है। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको बहुत सारे फ्लावर बना लेने हैं इस तरह से। अब फ्लावर बनाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा धागा है, इसे हम यहाँ पर लेंगे। हम आप कोई सा भी सुई ले सकते हैं। यहाँ पे हम जो सूती सिलने वाला सुई लिए हैं, इसके अंदर धागे को डालेंगे। और इस तरह से इसे, ये हमारा उल्टे साइड है और ये हमारा सीधे साइड है। इस तरह से इसे मुड़ते हुए फ्लावर बनाना है। फिर जो ये धागा है, इसी से हमें इसे सिल देना है। इस तरह से आप इसे इसी धागे से सिल दीजिए। ये इस तरह से सिल के एक तैयार किया है, इसे आप देख सकते हैं। इस तरह से इसे सिल के तैयार कर लेंगे हम। और फिर इसे इसके चारों तरफ इसे अटैच कर देंगे और एक फ्लावर हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा सिंदूरदानी कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे देख सकती हैं।